हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजीम एंड्रीची में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है कि 5 फीट में कितना मीटर होता है, यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फीट को मीटर में बदलना सीखेंगे कि कैसे फीट को मीटर में बदला जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे फीट को मीटर में बदला जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि हम फीट को पहले जानते हैं कितना इंच होता है। बहुत ही सरल और आसान तरीका से मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, 1 फीट जो होता है वो 12 इंच के बराबर होता है, ठीक है। और 1 मीटर कितने इंच के बराबर होता है? 1 मीटर 39.37 इंच, या फिर हम 40 इंच भी मान सकते हैं मोटी मोटा, लेकिन रियल में 39.37 इंच ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, 1 फीट में 12 इंच होता है, तो इसको क्या करना है, हमें बताना है 5 फीट का, ठीक है। तो जो 1 फीट है पहले 12 इंच, इसको क्या करेंगे, 5 फीट में पहले बदलेंगे, ठीक है। तो 5 फीट बराबर कितना इंच हो जाएगा, 5 × 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है। तो 5 फीट में जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×60 इंच, यानी कि पहले हमने 5 फीट को इंच में कन्वर्ट कर लिया, जो आया हमारा 60 इंच। अब हमें करना क्या है, देखिए 1 मीटर बराबर 40 या फिर 39.37 इंच होता है, और 5 फीट में 60 इंच होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जो फीट है इसको हमें क्या करना है, यानी कि मीटर में बदलना है, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए इस 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर जो 39.37 इंच है इसको हम क्या लिख सकते हैं, गुणा 1 इंच लिख सकते हैं। तो 1 इंच बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंच बराबर 1/39.37 मीटर। 1 इंच में अगर पता लगाना हो तो 1/39.37 मीटर हो जाएगा, सब मामला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें 1 इंच में पता है कि इतना मीटर होता है, तो हमें क्या बताना है, 60 इंच का बताना है, 60 इंच का बताना है। तो क्या हो जाएगा, 60 × 1 इंच, 60 इंच को हम क्या लिख सकते हैं, 60 × 1 इंच लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, 60 × 1 इंच की जगह ये वाला मान रख देंगे 1/39.37 मीटर। अब क्या करेंगे, 60 × 1/39.37, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 60 × 39.37 मीटर, यानी 60 में 39.37 इंच से भाग देना है। चलिए मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ, 60 × 39.37 कितना आ गया, 1.524 फिर 00, यानी कि 152, यानी 1.524, 1.524 क्या हो गया, 1.524 क्या हो गया, मीटर। यानी कि 60 इंच, जिसको बोला जाता है 5 फीट, 60 इंच को हमने बदला था, यानी 5 फीट को जब बदला था तो 60 इंच आया था, तो ये 60 इंच में क्या होता है, 1.524 मीटर होता है। अगर यहीं पर अगर हमें 40 इंच के हिसाब से लेना होता तो क्या करते हम, इसी 60 में 40 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 0 से 0 ख़त्म हो जाता, 6 में जब 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 4×4 = 20, यानी कि कितना आ जाता, चलिए मैं ये भी करके दिखा देता हूँ, 60 × 40 1.5 आएगा मीटर, ठीक है। यानी कि 5 फीट में 1.5 मीटर या फिर 1.524 मीटर होगा इसका मान। सिंपल सा काम करना है कि जितना भी फीट हो उसको इंच में पहले बदल लीजिए, और 1 मीटर में जितना इंच है उससे उसमें डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।